नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। वफ बोर्ड पर बड़ी कार्रवाई, देश भर के 6 लाख एकड़ भूमि धारक वफ बोर्ड की अवैध संपत्तियां अब जब्त, सरकार ने दिया सीधा आदेश। आज की यह खबर आपके होश उड़ा देगी। आज यह वीडियो आप शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक का बटन दबाकर अपनी राय जरूर दें। योगी जी ने दिया वफ बोर्ड को बैन करने का आदेश, दिखा दी मुख्यमंत्री की पावर। जी हाँ, योगी सरकार ने 33 साल पुराने आदेश को रद्द करते हुए वफ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे कर एक महीने में राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सूबे के सभी 75 जिलों में जिनकी भी जमीन वफ की है उसे वफ के नाम से अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा वफ संपत्तियों की जो भी जमीन हड़पी गई या फिर किसी को बेच दिया गया उसे भी सर्वे के जरिए चिन्हित किया जाएगा। यूपी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने वफ संपत्तियों के सर्वे के संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके तहत 7 अप्रैल 1979 से लेकर अब तक यानी पिछले 33 साल में वफ बोर्ड की जो बंजर, उसर सहित अन्य भूमि थी जिनका रिकॉर्ड नहीं दर्ज किया गया, अब उनका ब्यौरा जुटाया जाएगा। उत्तर प्रदेश वफ अधिनियम 1960 को लागू करते हुए वफ बोर्ड की सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ऐसी संपत्तियों के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह जैसी संपत्तियां सही स्थिति में दर्ज हैं या नहीं, इसका पता लगाया जाएगा। वफ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में करीब 8,55,891 संपत्तियां ऐसी हैं जो वफ की हैं। देश भर में 32 वफ बोर्ड हैं। सेना और रेलवे के बाद देश में संपत्ति के मामले में वफ तीसरे सबसे बड़े भूमि का मालिक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वफ संपत्ति है। यूपी में सुन्नी वफ बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया वफ बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। यूपी और बिहार में शिया सुन्नी की अलग अलग संपत्तियां और बोर्ड हैं। क्या होती है वफ संपत्ति? वफ अरबी भाषा के वकुफा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ठहरना। वफ का मतलब है ट्रस्ट जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम में वफ उस संपत्ति को कहते हैं जो अल्लाह के नाम पर जन कल्याण के लिए दान कर दी जाती है। एक बार संपत्ति वफ हो गई तो फिर उससे मालिक वापस नहीं ले सकता है। वफ भी दो तरह की होती है, एक वफ अलल औलाद और दूसरा अलल खैर। वफ अलल औलाद का मतलब यह वफ संपत्ति परिवार की ही किसी शख्स के लिए होगी। उस वफ का मुतवली यानी प्रबंधक का पद परिवार के सदस्य के पास ही रहेगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। दूसरा वफ अलल खैर, इसका मतलब यह सार्वजनिक वफ है। इस संपत्ति को जनता के लिए वफ किया गया है। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी वफ बोर्ड की होती है, जिसके देखभाल के लिए वफ बोर्ड एक मुतवली यानी प्रबंधक नियुक्त करता है। वफ बोर्ड की कितनी होती है ताकत? वफ संपत्तियों की देखरेख के लिए अलग अलग राज्य में वफ बोर्ड हैं। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वफ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधानों को जोड़कर वफ बोर्ड को काफी शक्तियां देने का काम किया। वफ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि वफ जमीन किसकी है, यह वफ का सर्वेयर और वफ बोर्ड तय करेगा। दरअसल वफ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वफ की है कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वफ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वफ की संपत्ति होना साबित हुआ। बड़ी बात है कि अगर आपकी संपत्ति वफ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ वफ एक्ट 2013 संशोधन के तहत लोअर कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। उसके लिए वफ ट्राइब्यूनल में जाना होगा। वफ ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्राइब्यूनल में कौन लोग होंगे इसका निर्णय राज्य सरकार करती है। ट्राइब्यूनल में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय से प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं। हालांकि अक्सर राज्य सरकारों की कोशिश यही होती है कि वफ बोर्ड का गठन ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों से हो। वफ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। 1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वफ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन अगर वफ बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति वफ की है तो सर्वेयर के जरिए उसे ले सकता है। 3 दशक के बाद हो रहा है सर्वे। यूपी की वफ संपत्तियों के सर्वे का आदेश योगी सरकार ने दिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्वारा कौमी वफ बोर्ड तरक्याती योजना के तहत भारत की सभी वफ संपत्तियों की जियो टैगिंग एवं डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा है।
इसी के तहत यूपी की सभी वक्फ संपत्तियों का सर्वे किया जा रहा है, जो यूपी में करीब 3 दशक के बाद किया जा रहा है। 1985-1987 में आखिरी बार वक्फ संपत्तियों का सर्वे किया गया था, लेकिन योगी सरकार ने 1979 के सर्वे को आधार माना है। वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद बताते हैं कि योगी सरकार कोई नया काम नहीं कर रही, बल्कि पहले भी इस तरह के कई शासनादेश जारी हो चुके हैं, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। उत्तर प्रदेश में 1985-1987 में एक जनरल सर्वे वक्फ संपत्तियों का करवाया गया। वक्फ एक्ट के तहत वक्फ संपत्तियों के लिए हर 10 साल पर सर्वे करने का प्रावधान है। सरकार ने उसी दिशा में कदम उठाया है। मुस्लिमों को भी आगे आकर वक्फ सर्वे में वक्फ संपत्तियों को चिन्हित और उन्हें राजस्व के अभिलेखों में दर्ज कराने का काम में सहयोग करना चाहिए। अहमद ये भी कहते हैं कि योगी सरकार वाकई वक्फ संपत्तियों को भू माफिया से बचाना और सुरक्षित रखना चाहती है, तो वक्फ की संपत्तियों को भूलेख में शामिल करें, ताकि पड़ती शमशान घाट तालाब की जमीन की तरह वक्फ संपत्ति को ना तो कोई बेच सके और ना कोई खरीद सके। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भू अभिलेख सॉफ्टवेयर के तहत इस तरह की व्यवस्था करके वक्फ संपत्ति को अतिक्रमण और भू माफिया से बचाया है। अहमद मानते हैं कि इस सर्वे से वक्फ की संपत्ति में इजाफा ही होगा। वक्फ की जिन संपत्तियों पर अवैध कब्जा है उसे हटाने में मदद मिलेगी। 7 अप्रैल 1979 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि यदि सामान्य संपत्ति बंजर, भीटा, ऊसर आदि भूमि का इस्तेमाल वक्फ यानी मसलन कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह के रूप में किया जा रहा हो तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में ही दर्ज कर दिया जाए। इस आदेश के तहत प्रदेश में लाखों हेक्टेयर बंजर, भीटा, ऊसर भूमि वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर ली गई, लेकिन योगी सरकार ने 33 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है और वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराने का आदेश दिया। वर्तमान में सरकारी जमीन यदि वक्फ में दर्ज है लेकिन उसका सार्वजनिक उपयोग हो रहा है तो ठीक है, पर यदि इन पर अनधिकृत कब्जे हैं तो सरकार कार्रवाई कर सकती है। ऐसी शिकायतें आई हैं कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि को 33 साल पुराने आदेश के क्रम में पहले वक्फ में दर्ज कराया गया और फिर बेचा गया। आवासीय कॉलोनियों तक डेवलप हुई और व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ऐसे में योगी सरकार सर्वे के बाद इन पर कार्रवाई कर सकती है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि वक्फ की जमीन ईश्वर की जमीन है, उस पर कब्जे का किसी को अधिकार नहीं। वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराकर अवैध कब्जे वाली जमीन की निशानदेही की जाएगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं कि वक्फ की ऐसी जमीन से अवैध कब्जे हटाकर वहां पर अस्पताल और स्कूल आदि बने, ताकि अल्पसंख्यकों को इससे लाभ हो। सरकार नेक नियत से सर्वे करा रही है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM मदरसा सर्वे की तरह वक्फ सर्वे पर भी योगी सरकार की मंशा पर सवाल जरूर खड़ा कर रही है। AIMIM के नेता आसिम वकार कहते हैं कि पिछले 15 सालों में शिया और सुनी वक्फ बोर्डों में बड़े घोटाले हुए हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने तो घोटालों का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। मामले में CBI जांच हुई, FIR हुई, लेकिन रिपोर्ट कहाँ है और कार्रवाई क्या हुई? वहीं असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी सरकार का आदेश गैरकानूनी है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। ऐसा करके मुसलमानों को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त शिया और सुनी वक्फ बोर्ड क्या कर रहे हैं? ओवैसी ने कहा कि यह एक तरह से छोटी NRC है। सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि सरकार ने मदरसों की जांच कराकर देख लिया, अब वक्फ की जांच कराकर भी देख ले। हम किसी भी जांच के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम इससे डरते नहीं हैं। ये जांच केवल मुसलमानों को खौफ जदा करने के लिए की जा रही है, जिससे 2024 के चुनाव में मुसलमान डर की वजह से भाजपा को वोट दें। वक्फ संपत्तियों की जांच की बात करके ये लोग असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये किसी भी तरह 2024 का चुनाव जीतने के लिए साजिश कर रहे हैं, मगर ये होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा विपक्ष एक होने जा रहा है। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए ओनली न्यूज़ नेशन।